क्रूस का कार्य अध्याय 5। यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लुका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु क्रूस की पीड़ा में थे और उसके दर्द को उसके पिता के अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता था। वहां लोगों की भीड़ जरूर थी, पर अधिकतर लोग तिरस्कार कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे या तरस खा रहे थे। कुछ परीक्षा करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जिसका कहना था, उसने दूसरों को बचाया, अब खुद को बचा ले। पर वहां ऐसे भी थे जो मायूस और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, जिनमें हम मरियम जो यीशु की माँ, यहूना और मरियम मगदलीनी को देखते हैं। यीशु मसीह सारी जिल्लत, तिरस्कार, अपमान, कोड़ों की मार, कांटों का मुकुट और अब क्रूस पर लटक कर पीड़ा में वह था, और कोई ऐसा नहीं था जो किसी भी प्रकार की सांत्वना दे, पर शर्त लगा रहे थे कि चमत्कार करे तो वे विश्वास करेंगे। इसके बीच वह पिता से प्रार्थना करता है कि वह सारे लोगों पर रहम करे, क्योंकि क्रूस पर जाने का मकसद परमेश्वर की योजना थी कि लोग अपने पापों से मुक्त हो सके और परमेश्वर के साथ जुड़ सके। साथ ही यीशु ने वह कीमत चुकाई जो पाप की सजा की थी, और वह काबिल था हमारे लिए परमेश्वर पिता से क्षमा दिलाने के लिए। यह प्रार्थना सिर्फ वहां उपस्थित लोगों के लिए ही नहीं, पर उसकी गूंज उन सारे लोगों पर हो जो उसकी ओर देखने वाले हैं और उन पर असर करे, चाहे वे भूतकाल में हो या उस समय वर्तमान में या भविष्य में। यीशु मसीह का दृष्टिकोण हमारे लिए परमेश्वर के राज्य के अनुसार ही होता है। हमारी गलती या गुनाह वो माफ कर सकता है और पिता से हमारे विषय में प्रार्थना भी करता है कि हम अपने पाप में फंसे ना रहे पर आजाद हो जाए। आज जरूरी है यह समझना कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर पिता से क्रूस से प्रार्थना की, और यह भी जानना कि यीशु मसीह आज भी आपके लिए प्रार्थना करता है। कुछ वचन जो इस बात इसे बताते हैं, पहला रोमियो 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। दूसरा इब्रानियों 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। तीसरा रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। यह सोच आपके मन में गांठ बांधकर बिठा दो कि मेरे लिए यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ मुझे उसके पास जाना है। मैं अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाता हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, दफ्तर में यात्रा कर रहा हूं या दोस्तों के साथ हूं या कहीं अकेला हूं। यह एक अंतिम और अटल सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती और हमेशा फल लाती है। आमेन।